किसान भाई मार्च महीने में करें इन 10 से 12 सब्जियों में से किसी भी सब्जी की इस विधि व वा वैरायटी से सफल खेती और कमाए अन्य किसान भाइयों के पेचा बहुत ही कम लागत लगाकर प्रति एकड़ लाखों का मुनाफा किसान भाई अगर आप लोग भी अपने बच्चों का कम समय में बेहतर भविष्य बनाना चाहते हैं तो आज ही हमारे बीजेपी चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा किसान भाई अगर आप लोग भी सोच रहे हैं कि आने वाले मार्च के महीने में कौन सी सब्जी लगाएं कैसे लगाएं और आने वाले समय में उसका कैसा उत्पादन और कैसा मंडी भाव देखने को मिलेगा तो यह वीडियो आपके लिए है क्योंकि आज की इस वीडियो में हम आप लोगों को मार्च महीने में लगाए जाने वाली सब्जियों के बारे में कुछ निगेटिव व कुछ पॉजिटिव चीज़ें जैसे कौन सी सब्जी को लगाकर आप अधिक उत्पादन ले सकते हैं तो कौन सी सब्जी को लगाकर आप उसके निकलने वाले उत्पादन का बेहतर मंडी भाव ले सकते हैं और कौन सी सब्जी को लगाकर आप बेहतर उत्पादन के साथ साथ जबरदस्त मंडी भाव ले सकते हैं इन सब के बारे में कम समय में बेहतर जानकारी देने वाले हैं तो जो भी किसान भाई इस चैनल पे नए हैं या अभी तक जिन किसान इस को नहीं किया है तो खेती बाड़ी से संबंधित सही सटीक व्यवहारिक जानकारियां समय समय पर मिलती रहे आइए वीडियो को स्टार्ट करते किसान भाई अब बात करते हैं कि मार्च महीने में कौन कौन सी सब्जी वर्गीय फसलों की बुआई की जाती है और उनका खेत से लेकर मंडी तक क्या परफॉर्मेंस देखने को मिलता है और आप किन सब्जियों को लगाकर अधिक उत्पादन के साथ साथ अच्छा मुनाफा कमा सकते हैं पहले नंबर की किसान मई जो फसल है वो है लौकी की खेती किसान भाई यदि आप लोग मार्च महीने में लौकी की बुआई करते हैं तो ये फसल मौसम के अनुकूल होने के नाते बीज का अच्छे से जर्मिनेशन होने के साथ साथ पौधे का काफ़ी अच्छी तरीके से ग्रोथ देखने को मिलेगा जिससे फसल में बेहतर उत्पादन देखने को मिलेगा लेकिन आने वाले समय में जब यह पचपन से साठ दिन में इसकी पहली हार्वेस्टिंग देखने को मिलेगी किसान भाइयों तो उस समय इसका मंडी भाव आप लोगों को कुछ मिला जुला यानि सामान्य देखने को मिलेगा यानी कभी कभार इसका जो है दस रुपये से कम मंडी भाव देखने को मिलेगा तो कभी कभार आप लोगों को इसका जो है दस रुपये से लेकर पंद्रह रुपये प्रति के की दर से, से मंडी भाव देखने को मिलेगा अगर उन्नत किस्मों की बात करें किसान भाई तो आप लोग बेनार कंपनी का सर सीड्स का चुनाव कर सकते हैं यह बहुत ही अच्छी वैरायटी है इसके अलावा भी किसान भाई अगर आप तो लोग लौकी की अन्य वरायटियों के बारे में जानकारी लेना चाहते हैं तो इस वीडियो को देख सकते हैं इस वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है दिए गए लिंक पर क्लिक करके लौकी की अन्य वरायटियों के बारे में अधिक जानकारी ले सकते हैं अगले नंबर की किसान भाई जो फसल है वह कद्दू की खेती किसान भाई यदि आप लोग मार्च महीने में कद्दू की बुआई करते हैं तो ये फसल मौसम के अनुकूल होने के नाते खेत में बीज का अच्छे से जर्मिनेशन होने के साथ साथ पौधे का काफ़ी अच्छे तरीके से ग्रोथ देखने को मिलता है जिससे फसल में बेहतर उत्पादन देखने को मिलेगा आप लोगों को मंडी भाव की बात करें किसान तो इसका मंडी भाव आप लोगों को ज्यादातर जो है वह मिला जुला देखने को मिलेगा यानी कभी आप लोगों को दस रुपये से कम तो कभी आप लोगों को दस से पंद्रह रुपये के तक देखने को मिल सकता है अगर उन्नत किस्मों की बात करें किसान भाई तो इसका ऑलरेडी पहले ही हमने वीडियो बना दिया है उस वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है दिए गए लिंक पर क्लिक करके आसानी से गर्मी के मौसम में कद्दू की खेती करके आप लोग बहुत ही अच्छा खासा मुनाफा कमा सकते हैं अगले नंबर की किसान भाई जो सब्जी वर्गीय फसल है वह है धनिया की खेती किसान भाई यदि आप लोग मार्च महीने में धनिया की बुआई करते हैं तो आने वाले पैंतीस से चालीस दिन बाद आप लोगों को अपनी धनिया की फसल से पहली हार्वेस्टिंग देखने को मिलेगी उस समय आप लोगों को अपनी धनिया की फसल से मिला जुला उत्पादन के साथ साथ जबरदस्त मंडी भाव देखने को मिलेगा क्योंकि गर्मी के मौसम में ज़्यादातर किसान भाई धनिया की खेती नहीं करते हैं क्योंकि जर्मिनेशन काफ़ी ज़्यादा प्रभावित देखने को मिलता है इस प्रकार किसान भाई अगर आप लोग अपने सूझबूझ और समझदारी से उन्नत किस्मों का चुनाव कर धनिया की खेती करते हैं तो मात्र दस से बारह हज़ार रुपये की प्रति एकड़ की दर से लागत लगाकर दो से ढाई लाख रुपये तक मोटा मुनाफा कमा सकते हैं किसान भाई यदि आप लोग धनिया की उन्नत किस्मों का चुनाव करना चाहते हैं तो आप लोग इस वीडियो को देख सकते हैं इस वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है दिए गए लिंक पर क्लिक करके धनिया की उन्नत वैरायटी के बारे में जानकारी ले सकते हैं किसान भाई यदि आप लोग प्रचंड गर्मी में धनिया की खेती कैसे करें इसके बारे में भी अधिक जानकारी लेना चाहते हैं तो आप लोग इस वीडियो को देख सकते हैं इस वीडियो का भी लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है दिए गए लिंक पर क्लिक करके धनिया की खेती के बारे में अधिक जानकारी ले सकते हैं कि गर्मी के मौसम में यानी मार्च के महीने में धनिया की खेती आप लोग कैसे कर सकते हैं अगले नंबर की किसान भाई जो सब्जी वर्गीय फसल है वह है करेला की खेती किसान भाई यदि आप लोग मार्च महीने में करेला की बुआई करते हैं तो यह फसल भी मौसम के अनुकूल होने के नाते बीज का अच्छे से जर्मिनेशन होने के साथ साथ पौधे का काफ़ी अच्छी तरीके से ग्रोथ देखने को मिलेगा जिससे फसल में बेहतर उत्पादन के साथ साथ गर्मियों के मौसम में करेला का ज़बरदस्त मंडी भाव भी देखने को मिलेगा और इस खेती को गर्मी के मौसम में करने का प्लस पॉइंट ये है कि अगर आप लोग गर्मी के मौसम में करते हैं इसकी खेती तो आप लोग समतल क्यारियों में भी इसका अच्छी तरीके से उत्पादन ले सकते हैं जैसा कि बरसात के मौसम में मचान लगाना बहुत ही अनिवार्य हो जाता है उन्नत किस्मों की बात करें किसानाएं तो आप लोग इस वीडियो को देख सकते हैं इस वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है दिए गए लिंक पर क्लिक करके करेला की उन्नत वरायटियों का चुनाव कर सकते हैं किसान भाई यदि आप लोग करेला की खेती से संबंधित और भी अधिक जानकारी लेना चाहते हैं जैसे गर्मी के मौसम में करेला की बुआई किस विधि से करें कितनी दूरी पर करें और कौन सा खाद उर्वरक कितनी मात्रा में डालें तो आप लोग इस वीडियो को देख सकते हैं इस वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है दिए गए लिंक पर क्लिक करके करेला की खेती से संबंधित अधिक जानकारी ले सकते हैं नंबर की किसान भाई जो सब्जी वर्गीय फसल है वह है मूली की खेती किसान भाई यदि आप लोग मार्च महीने में मूली की बुआई करते हैं तो आने वाले 35 से 40 दिन बाद आप लोगों को अपनी मूली की फसल से बेहतर उत्पादन के साथ साथ जबरदस्त मंडी भाव देखने को मिलेगा क्योंकि गर्मी के मौसम में ज़्यादातर किसान भाई मूली की खेती नहीं करते हैं क्योंकि पत्तियों पर और जड़ों पर तरह तरह के कीट व रोग लगते हैं लेकिन अगर आप लोग सूझबूझ और समझदारी से गर्मी के मौसम में मूली की खेती करते हैं तो प्रति एकड़ दस से बारह हज़ार रुपये लगा प्रति एकड़ दो से ढाई लाख रुपए बहुत ही आसानी से कमा सकते हैं अगर उन्नत किस्मों की बात करें किसान भाई तो आप लोग इस वीडियो को देख सकते हैं अगर आप लोग प्रचंड गर्मी में मूली की खेती कैसे करें इसके बारे में अधिक जानकारी लेना चाहते हैं तो इस वीडियो को देख आने वाले गर्मी के मौसम में अन्य किसान भाइयों के पेक्षा मूली की फसल आसानी से उगा कर, बहुत ही अच्छा खासा मुनाफा कमा सकते हैं अगले नंबर की किसान भाई जो सब्जी वर्गीय फसल है वह है लाल चौलाई की खेती किसान भाई यदि आप लोग मार्च महीने में लाल चौलाई की बुआई करते हैं तो आने वाले 20 से 25 दिन बाद आप लोगों को अपनी लाल चौलाई की फसल से बेहतर उत्पादन के साथ साथ जबरदस्त मंडी भाव देखने को मिलेगा और आप लोग लाल चौलाई की फसल का ऊपर से यानी एक से दो सेंटीमीटर छोड़कर जो है ऊपर से कटिंग करके लंबे समय तक लगातार उत्पादन ले सकते हैं यानी बारम्बार उसकी कटाई करके मार्केट में बेचकर अच्छा खासा प्रॉफ़िट जनरेट कर सकते हैं अगले नंबर की किसान में जो सब्जी वर्गीय फसल है वह है तोरी की खेती किसान भाई यदि आप लोग मार्च महीने में तोरी की बुआई करते हैं तो आने वाले पचपन से साठ दिन बाद आप लोगों को अपनी तोरी की फसल से बेहतर उत्पादन के साथ साथ लौकी और कद्दू की अपेक्षा बेहतर मंडी भाव भी देखने को मिलेगा अगर उन्नत किस्मों की बात करें किसान में तो आप लोग बी कंपनी का आलोक सीड्स का चुनाव कर सकते हैं यह बहुत ही अच्छी वैरायटी है इसके अलावा भी किसान किसानों अगर आप लोग तोरी की अन्य वरायटियों के बारे में जानकारी लेना चाहते हैं तो आप लोग इस वीडियो को देख सकते हैं इस वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है दिए गए लिंक पर क्लिक करके आप लोग तोरी की खेती कर सकते हैं अगले नंबर के किसानों की जो सब्जी वर्गीय फसल है वह है खीरा की खेती किसान भाई यदि आप लोग मार्च महीने में खीरा की बुआई करते हैं तो आने वाले पचपन से साठ दिन बाद आप लोगों को अपनी खीरे की फसल से बेहतर उत्पादन देखने को मिलेगा अगर मंडी भाव की बात करें किसान भाई तो आप लोगों को गर्मियों के मौसम में दस रुपये से लेकर बीस रुपये तक आप लोगों को जो है खीरा का थोक मंडी भाव देखने को मिल जाता है अगर उन्नत किस्मों की बात करें किसान भाई तो आप लोग बेन कंपनी का क्रिस सीड्स का चुनाव कर सकते हैं यह मात्र जो है पैंतीस से चालीस दिन बाद ही आप लोगों को उत्पादन देना शुरू कर देती है अगर आप लोग खीरा की अन्य टॉप वराइटियों के बारे में भी अधिक जानकारी लेना चाहते हैं तो आप लोग इस वीडियो को देख सकते हैं इस वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है दिए गए लिंक पर क्लिक करके खीरा की टॉप वैरायटीयों के बारे में अधिक जानकारी ले सकते हैं अगले नंबर की किसानों जो फसल है वह है पुदीना की खेती किसान भाई यदि आप लोग जो है मार्च महीने में पुदीना की जड़ों का पलेवा लगाकर इसकी जो है बुआई करते हैं तो आने वाले 35 से 40 दिन बाद आप लोगों को अपनी पुदीना की फसल से बेहतर उत्पादन के साथ साथ मूली धनिया चौलाई की अपेक्षा भी बहुत ही जबरदस्त मंडी भाव देखने को मिलेगा और गर्मी के मौसम में बारंबार जो है उसका ऊपर से कटाई करके लंबे समय तक लगातार उत्पादन ले सकते हैं किसान भाई इस प्रकार आप लोग जो है अन्य फसलों के अपेक्षा पुदीना की फसल से बहुत ही अच्छा खासा मुनाफा कमा सकते हैं वो भी बहुत ही कम एरिया में लगा कर किसानों ये थी मार्च महीने में लगाए जाने वाली 10 से 12 ऐसी सब्जी वर्गीय फसलें जिनमें आप लोग बहुत ही कम लागत लगाकर अच्छा खासा मुनाफा कमा सकते हैं किसानों उम्मीद करते हैं वीडियो में दी गई जानकारी आप लोगों को अच्छी लगी होगी यदि अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करके चैनल को अभी सब्सक्राइब कर दें और अन्य किसान भाइयों के हित में वीडियो को शेयर अवश्य करें आज के वीडियो में बस यहीं तक फिर मिलते हैं किसी एक नए वीडियो में नए जानकारी के साथ तब तक के लिए जय जवान जय किसान